सो गाइस वेलकम बैक, इफ़ यू न्यू देन वेलकम। तो गाइस इस वीडियो में हम Xiaomi के कोई भी फ़ोन हो, चाहे Redmi 11, 12, Xiaomi के सारे फ़ोन को हम Google Pixel 7 Pro में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप अकाउंट्स के पासवर्ड भूल गए हैं तो वो भी आप रिसेट कर लोगे इजीली। तो इस वीडियो में आप यही देखोगे कि हाउ टू कन्वर्ट Xiaomi फ़ोन इंटू गूगल पिक्सल 7 प्रो। ओके, तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो गाइस ये Xiaomi का फ़ोन है, तो सबसे पहले एक वार्निंग मैसेज दे देते हैं आपको कि ये है, अगर इस Xiaomi के फ़ोन में जो आपको कन्वर्ट करना है गूगल पिक्सल में, अगर उसमें आपका कोई डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट मैसेज, कॉल्स एंड कॉल लिस्ट डेटा, फोटो, इमेज, वीडियोस, एनीथिंग, तो वो अपने बैकअप पेन ड्राइव में रख लो ताकि उसको आप आगे रिट्रीव कर सको। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा, एकदम फ्रेश एंड न्यू फ़ोन हो जाएगा विद गूगल पिक्सल 7 प्रो। तो ये हमारा Xiaomi का फ़ोन है। यहाँ पे हम सेटिंग में जाके यहाँ पे MI वर्जन, जो MI UI वर्जन है उसमें 7 to 8 टाइम प्रेस करने के बाद हमको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाके यहाँ से हम डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे USB डिबगिंग को हम क्लिक करके यहाँ पे परमिशन एस करके ओके करेंगे। ओके, एंड देन हम जाएंगे OEM अनलॉगिंग, उसको हम इनेबल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे MI अनलॉक अकाउंट में जाके यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे, नेक्स्ट। एंड ये अभी आपका पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पासवर्ड आप डालिए और उसके बाद ये आपका अकाउंट बन चुका है MI पे। MI अकाउंट आपका यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब कि आपका अकाउंट बन गया, रेडी टू इंस्टॉल है। और ये प्रोसेस पूरा रेडी टू यूज़ होने में हमको 7 से 8 दिन का टाइम लेगा। इससे क्या होगा, MI अकाउंट आपका वेरीफाई कर देगा और आप अपना फ़ोन इसमें पिक्सल एक्सपीरियंस जो भी आपको कस्टम रोम इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र पर जाते हैं और वहाँ पर हम सर्च करते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस। पिक्सल एक्सपीरियंस के फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करके यहाँ पर हम फर्म का वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे जो हमारा Xiaomi का है लिंक आप देख रहे हो, तो हम उसके कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे 12 प्लस एडिशन पे क्लिक करना है यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन हमारा ये है डाउनलोड रिकवरी इमेज। इसके बाद ये डाउनलोड करने के बाद ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा फाइल इमेज एंड इसको हम कर देंगे सेव। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम जाएंगे डाउनलोड बिल्ड, फाइल को डाउनलोड करेंगे, 1.5 GB का है। इसको डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, इसको अब एक आपका प्लेटफॉर्म टूल है इसको भी डाउनलोड करना है। क्या है ना कि ये प्लेटफॉर्म टूल आपके SDK के जो भी सॉफ्टवेयर है ना, विंडोज़ से एंड्रॉयड को कम्युनिकेट कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यस रीड करके डाउनलोड एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल डाउनलोड कर लेंगे। एंड MI अनलॉक टूल, एक फाइल और है हमारा MI अनलॉक टूल, उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड MI अनलॉक टूल, और उसके बाद हम सारे को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और एक फाइल हमको और डाउनलोड करना है जो हमारा USB ड्राइवर्स है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, और उन सारे फाइल्स को हम एक्सट्रैक्ट करके हम अपने डेस्कटॉप पे रख लेंगे, आगे हमको यूज करना है। एंड ये हमारा इस लिंक पे क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा। एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऑल फाइल आर डाउनलोडेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल। तो Adobe USB ड्राइवर्स जो है ना, इसको हमको क्लिक करके यहाँ पे SS करना है। ये क्या करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है अपने डाउनलोड करेगा और उसके बाद ऑल डन हो जाएगा। बाकी हम हटा देंगे कुछ फाइल्स और यहाँ पे हम आके MI फ्लैश अनलॉक EXE इसको रन करेंगे। यहाँ पे एग्री करेंगे, जो अपने अकाउंट बनाया था उसको उस नंबर से हम साइन इन कर लेंगे। OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे MI अकाउंट हैज़ परमिशन, सॉरी। एंड ये हम करेंगे पावर ऑफ, इसका फोन अभी रेडी दिख रहा है। पावर ऑफ करते ही आपको पावर बटन, वैल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है फास्ट बूट में जाने के लिए। पावर बटन एंड वैल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है लॉन्ग टर्म के लिए फास्ट बूट में जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका नहीं हो रहा है ये, तो अगर आपका पता चला कि कनेक्टेड नहीं है, तो एक बार आप एग्जेक्ट करके लगाओगे तो आपका ये जो पॉपअप है ना ऑटोमेटिक हट जाएगा और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, एंड फ़ोन कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है, अनलॉक क्लिक करेंगे, अनलॉक एनीवे यहाँ पे कुछ टाइम ले रहा है, इट्स ओके, टाइम तो लगेगा ही अगर आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ अनलॉक एनीवे करेंगे। अरे यार कितना टाइम लेता है, वेरीफाई हो चुका है, अनलॉक कर दिया एंड डन। अब क्या है ना कि आपका ये फ़ोन एकदम पहले जैसा नया हो जाएगा। अब यहाँ पे आप, मैं जल्दी जल्दी सेटअप कर देता हूँ और यहाँ पे आपका पहले जैसा फ़ोन हो गया। अब यहाँ पे इनके अबाउट डिवाइस में जाके MI UI वर्जन को 7 से 8 बार टैप करोगे तो डेवलपर ऑप्शन में जाओगे, वही सेम करना है। और उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाके आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है एंड वही USB डिबगिंग को ऑन करना है और एंड ओके कर देंगे यहाँ पे। तब तक गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ओके कर दिए।
अब हम प्लेटफॉर्म टूल को क्लिक करके प्लेटफॉर्म टूल के अंदर जाके हम यहाँ पे CMD टाइप करके CMD यहीं इसी लोकेशन पे हम CMD ओपन करेंगे, ठीक है। अब हमको कुछ कमांड रन कराने हैं, जैसे ADB डिवाइस, आपको सेम स्पेलिंग डालना है। अगर आप गलत टाइप करोगे तो ये आपका कमांड एक्सिक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आप देख लो ADB डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ अटैच डिवाइस आ जाएंगे, और अब आपको नेक्स्ट कमांड करना है ADB रिबूट बूट लोडर। ओ गॉड, थैंक यू। ADB रिबूट बूट लोडर जैसे एग्जीक्यूट करोगे आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा एंड पावर ऑफ होके यहाँ पे फास्ट बूट डिवाइस नेक्स्ट कमांड करना है। फास्ट बूट डिवाइस करोगे तो यहाँ पे आपको MI USB ड्राइवर्स को रन कराना होगा। फास्ट बूट डिवाइस जैसे करो, देख रहे हो आपका अपना फास्ट बूट डिवाइस का UR नंबर आ गया। अब हम उसी फाइल को ड्रैग करके यहाँ पे उस जिप को हम कर लेंगे एग्जीक्यूट। पावर बटन वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके यहाँ पे फ़ोन को कर लेंगे अनलॉक। और यहाँ पे देख रहे हो पिक्सल एक्सपीरियंस आपका रेडी है। एंड अब आपको जाना है रिकवरी मोड में, यहाँ पे कैंसिल फॉर्मेट डेटा पे आपको सारा डेटा फॉर्मेट करना है। रिबूट सिस्टम नाउ यहाँ पे क्लिक करके फैक्ट्री रिसेट में जाना है, फॉर्मेट एवरीथिंग, फॉर्मेट डेटा एंड फॉर्मेट डेटा रिकवरी, फिर बैक जाके यहाँ से अप्लाई डेटा एंड यहाँ पे कैंसिल का याद है। अभी आप देख रहे हो कि ADB साइड लोड आपको करना है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पिक्सल एक्सपीरियंस को। अभी इसके बाद ही आपका कस्टम रोम इंस्टॉल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ से अपना प्रोसेस सारा रेडी है, वाइप डेटा हुआ है। उसके बाद अब रिबूट सिस्टम नाउ भी दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब क्या है, आपका जो फाइल था ना वो एक्सट्रैक्ट होकर अपलोड हो चुका है। अब आपका ये देख रहे हो जैसे कि फ़ोन लोड हो रहा है एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको गूगल का एक्सपीरियंस दिख रहा है। मतलब कि आप रेडमी के फ़ोन पे आप गूगल का OS आप इंस्टॉल कर लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सारा चीज़ रेडी हो चुका है, और आप जल्दी जल्दी सेटअप करके मैंने इसमें दिखा दिया है तो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया है। अब यूज़र एक्सपीरियंस का जो भी है हम यूज़र इसको यूज करके बताएंगे, और नहीं तो आप खुद यूज करोगे तो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। कुछ जो चीज़ें छोटे छोटे इशू हैं वो आप अपने थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कर सकते हो। अगर कोई लैग का इशू है या कुछ ऐसा कुछ है तो आप उसको आप सेटिंग से जाके अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो चीज़ें। एंड कैमरे का इशू है तो कैमरे का मैंने इसमें बता दिया कि कैमरे का कैसे आपको एक फाइल डाउनलोड करना है। तो कैमरे के लिए आपको जाना है गूगल ब्राउजर पर, और आपको सर्च करना है इस लिंक से यहाँ पे MGC 8.5, इसको क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है MGC 8.3 scan3D.apk। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, अब ये आपका कैमरे का इशू सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप ओके सारा परमिशन देके कुछ सेटिंग कर लोगे आप अपने हिसाब से, और ये आपका परफेक्टली वर्क करेगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि हाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, या कहीं आपको कहीं इस प्रॉब्लम में स्टक हो रहे तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो अब यहीं तक इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच गाइज।